स्लम एरिया, और ये कहानी राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है जैसा कुछ लोगों को शायद लगता है फिल्म के पोस्टर के टाइटल को देखकर, बट इट्स स्टोरी अ फैन जो राज कपूर साहब को फैन मानता है उसकी लाइफ की स्टोरी है, जिससे हमने रियल लोकेशंस पे और स्लम्स में शूट किया है। और इस फिल्म में रिलेशन, इमोशन, लव और जो रिलेशनशिप आज चली गई है समाज से कि लोग एक दूसरे के लिए रिश्तों के लिए कुछ खास महत्व नहीं देते, उस इम्पोर्टेंस को मैं इस फिल्म में लेके आया हूँ। और मैंने ये फिल्म दिमाग से बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि ब्रेन यूज़ करता तो शायद मेरी ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाती, क्योंकि लोग जब ब्रेन यूज़ करते हैं तो पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार कौन से होंगे, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, बिकेगी कैसे। मैंने वो सब मसाला इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको दिल से बनाया। और मेरी कोशिश है कि अगर लोगों के दिलों तक ये फिल्म पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी तो मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी चीज़। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ये बोलेंगी। ये है हमारी नरगिस फिल्म में, और जब आप देखेंगे फिल्म तब आपको समझ में आएगा। और ये भी हमारी नरगिस ही हैं फिल्म में, तो एक राज कपूर है, दो नरगिस हैं, ये कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आपको कुछ कहना है? मेरा जो कैरेक्टर एक्चुअली मैं नरगिस का नहीं, मतलब उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ उसका निभा रही हूँ। और बहुत ब्यूटिफुली मूवी है, लोअर मिडिल क्लास में मैं रहती हूँ और बहुत ब्यूटिफुली शॉर्ट मूवी है, वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो या इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी। मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ही नयापन है, और मैंने बहुत दिल से काम किया है, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से काम करवाया है हमसे, और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी, और फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन नरगिस है और कौन क्या है। अच्छा चलिए, इस सबसे बाइक ले लीजिए ना, एक सबसे सबसे म्यूजिक। तो आज राज साहब का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर, शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री राज कपूर साहब। हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक जनरेशन के बाद हमने उनके साथ इस फिल्म के ज़रिए काम कर लिया। जब हमारे पास ये फिल्म आई और मैं राज कपूर हो गया और राज साहब को ट्रिब्यूट की गई फिल्म, तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली हम राज साहब के साथ जुड़े, पूरी इंडस्ट्री राज साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो अच्छा कंटेंट है, एक मुकेश जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो ब्लैंडेक्स एंटरटेनमेंट फिल्म को रिलीज़ कर रही है, एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, फिल्म का अच्छा म्यूज़िक है, आप देखिए। मानव सोहल जी ने फिल्म डायरेक्ट की है, वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं फिल्म में, और उन्होंने अच्छा काम किया है और कोशिश की है फिल्म से लोगों को कनेक्ट करने की, तो हम उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड हम उनको सपोर्ट करते हैं ऐसे कंटेंट को। पहले भी हमने कहा था कि ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट कंटेंट को सपोर्ट करेगी और थिएटर तक लेके आएगी, सो वी आर डूइंग दैट। थोड़ा सा बोल दीजिए सर फिल्म के बारे में। एक ही बात है, फिल्म बहुत ही इमोशनल बनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जब 17 फरवरी को रिलीज होगी आप लोग देखेंगे तो आपको होपफुली बहुत अच्छी लगेगी। पिक्चर बहुत अच्छी है, एक बार देखिए सर। कैमरे में सर बोल दीजिए, एक बार काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई है, देखिए एक बार सर, फिर आगे तो आप लोग बताइए कैसी है। हाँ इनसे पूछिए। हाँ बताओ 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 बोलो। यस मैडम, फिल्म देखी हम लोगों ने, तो फिल्म अच्छी लगी। हाँ, और बस मानव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सर सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट होगी जर्नी, बताएंगे। अरे नू कह रहे हैं कि Thank you.
हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और मैं राज कपूर हो गया हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, स्पेशली मानव जो राज कपूर जो बने उनका किरदार प्ले कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत सारी शुभकामनाएं ब्रेंडेक्स टीम को, अर्पित जी को और अर्षद जी को, और जो प्रोड्यूसर हैं मुकेश जी को, जो मेरे भाई जैसे हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मूवी को देखें, और क्योंकि देखा जाए तो टाइटल हीरो है इस पिक्चर का, तो जितने भी लोग राज कपूर जी से प्यार करते हैं उन्हें एक बार पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्या नया लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि इतना कंपटीशन है, तो जैसे ये जो फिल्म है सबसे नया तो यही है कि ये जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि राज कपूर साहब जो है, तो वैसा उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का ये कुछ नया पोस्टर हमें देखने को मिला है, तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको उसमें ज़रूर बहुत कुछ यूनिक सा मिलेगा, जो हमेशा हम लोग अभी सोचते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले, बिकॉज सेम हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं पूरी टीम के साथ में और आप सभी के साथ में। जी मैं अभी एक वेब सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है ऑनलाइन 24/7, तो वो अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये सब हो रहा है उस पर वो है फिल्म सॉरी वेब सीरीज़ उस पर बनी हुई है, और उसके अलावा भी मेरी और भी वेब सीरीज़ एक और आ रही है अर्थात, और हम लोग अभी फरवरी में भी एक और करने वाले हैं, वो मतलब जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर था तो उसमें पूरे मेल गैंगस्टर थे, तो एक वेब सीरीज़ जो आ रही है इसमें सारी फीमेल गैंगस्टर है और उन फीमेल गैंगस्टर के ऊपर एक कॉप है जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो अभी वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। थैंक यू।
कौन है वो? कौन? राज कपूर साहब। और उनके जो गाने हैं ना मिंटो भाई, वही अपने लिए वजन है। सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ माई फिल्म। ये मैं अच्छे से इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बीच बीच में पिंटो भाई की लाइन थी, तो पिंटो भाई नहीं थे तो मैंने उसको एडिट किया। सो ये फिलॉसफी है हमारी, ये फिल्म बनाने का जो सबसे बड़ा थॉट है। ये फिल्म मैंने राज कपूर टाइटल क्यों लिया, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, टाइटल इसलिए लिया क्योंकि मैं एक्चुअली राज कपूर साहब का फैन हूँ और ये मूवी 90% रियल इवेंट्स के ऊपर ही है। रियल इवेंट्स मतलब दिस इज नॉट स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जैसे किसी के साथ कुछ गुजरा, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ और मुझे बहुत टच किया हार्ट को इधर, तो मैंने उसको इस कहानी में पिरोया, उस सीक्वेंस को। जो बेसिक चीज़ है, जो मेरी फिल्म की खासियत है जिसे मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि जो फील है, जो टच है लोगों के बीच में, जो रिलेशनशिप में, वो अभी थोड़ा कम हो गया था पहले। मैं ये पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखाया कि नहीं, सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप है, सबसे पहले हमारे रिश्ते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब बात की बातें हैं। तो हम थोड़ा सा इमोशनल हुए, घरों में रहे, अपने फैमिली को पहली बार देखा हमने कि अरे इतना काम करती है वाइफ, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत होती है, तो ये हमने सालों से नहीं देखा। तो इस मूवी में मैंने उस रिलेशनशिप को बनाया है कि कोई चौल में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे रिश्तों को पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बेसिकली ये बनाने का रीज़न ये है कि हम जो अब बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं इधर उधर कि चलो भाई किससे मतलब है तो मिलो, और नहीं है मतलब तो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। इधर से किसी से मिलोगे और हमेशा इधर से मिलते रहोगे तो हर इंसान आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी जगह काम आएगा। तो ये मेरी ये मूवी बताती है, जो फीलिंग मैंने इस मूवी में डाली है, ये रियल इवेंट्स, रियल इंसिडेंट पे हमने शूट की है। एक्टर भी इसमें जो जूनियर आर्टिस्ट है सारे हमारे झोंपड़पट्टी के रियल लोग हैं जिनको हमने ट्रेन किया था। तो दिस इज माय मूवी राज, मैं राज कपूर हो गया। मानव जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पैंडेमिक ने हमें आए। मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने भी मूवीज और थोड़ी वेब सीरीज की है पहले। ये मूवी मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन से वी ऑल नो कि राज कपूर एंड नरगिस जी हमारे पेरेंट्स के और बहुत सारे लोगों के फेवरेट हुआ करते हैं। सो मुझे बचपन से ही मम्मी डैडी, मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझे नरगिस बुलाते थे। कभी कभी कोई मधुबाला बुलाता था पर नरगिस मोस्टली बुलाते थे क्योंकि उसके जैसे फीचर्स थे एंड एवरीथिंग, एंड वो बहुत क्लोज कैरेक्टर थी क्योंकि मेरे पापा की भी वो फेवरेट थी, सबकी फेवरेट थी। एंड मेरे पापा राज कपूर बनते थे और मैं नरगिस, एंड एक्चुअली लुक्स लाइक ऑल्सो वेरी सिमिलर। मैं नरगिस के लुक के लिए मैंने कम से कम नहीं तो 300 ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनको मैंने मिला, जिनसे मैंने बात की, बट नरगिस नहीं मिल रही थी तो 3 महीने मैंने शूट नहीं किया। जब मुझे वो लुक आया तभी मैंने उसको शूट किया, नहीं तो मैंने उसको शूटिंग नहीं की थी। तो जब भी उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं करने वाली हूँ, फिर भी उनसे मैं बातें कर रही थी और आगे ऐसे ही बढ़ा रही थी फॉर नेम सेक, पर अंदर ही अंदर मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं ये मूवी करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच मानव जी एंड द होल टीम, हमने बहुत मेहनत से ये मूवी बनाई है सब ने, डायरेक्टर, एडिटर, DOP जी, द होल टीम, ऑल द एक्टर्स, एवरी वन, वी हैव ऑल वर्क वेरी हार्ड, हमने दिल से काम किया है ये मूवी में, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट, थैंक यू एवरी वन। आपने दिल से काम किया ना, आई एम श्योर। रही थी मानव ने मुझसे कहा कि एक कैरेक्टर है यहाँ पे जो नौकरानी होती है इस फिल्म में, तो मैंने कहा नौकरानी? बोले हाँ करना है। मैंने कहा जब मानव बना रहे हैं और ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंस ही होगा इस कैरेक्टर में, तो मैंने पहले सुनने से पहले मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं सच में इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरा, और करके आई एम सो सैटिस्फाइड, मुझे इतना अच्छा लगा ये काम करके। और हमारे सारे जितने एक्टर्स हैं, हमारे DOP, हमारे गाने इतने अच्छे हुए, हमारे डायरेक्शन इतना अच्छा है इस फिल्म में, और काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था सच में हम जिस बस्ती में रह रहे थे, बस्ती में जो काम कर रहे थे, उस कैरेक्टर को मैं फॉलो कर रही थी कि एक काम वाली कैसे रोज़मर्रा के दिन कैसे एक वो गुजारती है, मैं उस कैरेक्टर को फॉलो कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और मैंने उसे पोर्ट्रेट करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी को ये कैरेक्टर पसंद आएगा, और मैं सच में बहुत खुश हूँ, और मानव को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये रोल मुझे दिया है। थैंक यू मानव, और थैंक यू ऑल टीम, सबने बहुत बहुत हम लोगों का साथ दिया,
हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे टीओपी सर, हमारे पूरे टीम और सारे एक्टर्स, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन हु केम हियर टू जॉइन अस टुडे. और जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मूवी राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किया है मानव जी ने, और मानव जी और मुकेश जी ने मिलकर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है. हम लोग बाद में एसोसिएट हुए कंटेंट देखने के बाद, और वी आर एसोसिएट एज ए प्रोड्यूसर, मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस फिल्म. अब हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक ये फिल्म पहुँचा सकें, फिर फाइनली ऑडियंस डिसाइड करेगी कैसा रिस्पॉन्स आता है इस फिल्म को. नहीं नहीं, कैप्टन ऑफ द शिप. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. शैलेश जी, ये प्रोड्यूसर पार्टनर ही हमारे साथ. सबको थैंक यू. ये मैं राज कपूर हो गया, जो फिल्म शूटिंग जो सबने मेहनत किया है, हमने खुद हर एक जगह पे देखा है, इसमें सबका इतना बड़ा योगदान लगा है कि ये फिल्म सब अपने दिल से और पसीने से बनाई हुई है. लोग जरूर देखने आएंगे, ये हम जरूर उम्मीद करते हैं. थैंक यू. सर ये हमारे, मैं ही थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे मालूम है. ये अब्दुल गली का ही गवारा. अब्दुल एक लाइन गली का ही गवारा. बोलो बोलो. एक्चुअली मतलब गाना स्टार्ट करने से पहले जैसे हर सिंगर बोलता है, मेरा गला थोड़ा खराब है. ऊपर बेस्ड है राज कपूर साहब के ऊपर जो बेस्ड है कैरेक्टर, एंड ऐसा लग रहा है कि ये श्री 420 से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ये जो पूरा ट्रैम कैरेक्टर है, जिस तरह से उन्होंने छतरी पकड़ा है, जिस तरह से उन्होंने टोपी पहना है, जिस तरह से आप एक सॉन्ग में चल रहे थे, ऐसा लग रहा है श्री 420 के लिए ये ज्यादा एक होमाज है. इज दैट राइट? नहीं, दैट इज ओके. आपने जो क्वेश्चन किया वो ठीक है, बट ये किसी एक मूवी से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ इसमें. ये राज कपूर साहब की मूवियों का फ्लेवर है. जैसे आप उनकी पुरानी जितनी भी मूवी देखते हैं, चाहे आवारा हूँ है, चाहे श्री 420 है, चाहे मेरा नाम जोकर है, मैंने इसमें उनको मिमिक नहीं किया है फिल्म में. आई डोंट प्ले लाइक दिस कि मैंने राज कपूर को मिमिक किया. नो, इसमें मैंने अपना अपना करेक्टर प्ले किया है, जो एक चौल का रहने वाला है, जिसकी लैंग्वेज यही है, साला बोल की ना, यही लैंग्वेज है. और मैंने जो ये लुक लिया है, वो लुक लेने का रीज़न ये है कि जो राज साहब का जो सबसे पैट लुक था, जो चार्ली चैपलिन से चला आ रहा है इंडस्ट्री में, जो अपने मिस्टर इंडिया में अनिल जी ने भी उसको कैरी किया था, तो वो लुक मैंने इस फिल्म में कैरी किया है. बट पर्टिकुलर किसी मूवी से इंस्पायर्ड होके ऐसा नहीं है, उनकी सारी फिल्मों की छवि इसमें दिखेगी आपको. थैंक यू. और अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो जो तीन गानों, तो जो तीन सॉन्ग्स हमने देखा, ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक लव ट्रायंगल है. लव जो है वो जिंदगी का हिस्सा है. फिल्म जो है लव और रिलेशनशिप पे ही है, बट ट्रायंगल है या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यही इसका क्लाइमैक्स है जो रिवील ही नहीं किया है हमने. वो आप जब देखेंगे देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऐसा क्या है. इसमें एक थर्ड हीरोइन और है जो अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो शी इज़ इन लंडन राइट नाउ. नाजिया हुसैन उनका नाम है, तो वो जो है ये साथ में नाजिया जी, ये संजू बाबा की नीस हैं, जिन्होंने अभी कई फिल्में भी की हैं, तो उनका भी करेक्टर है. ये जब प्रोमो देखेंगे तो क्लियर होगा. अभी भी आपने टीजर में देखा, तीन हीरोइन दिख रही है साथ में जी. तो वो तीन क्यों हैं, ये स्टोरी ही है मेरी जो आप देखेंगे फिल्म के अंदर. और आखिरी सवाल आप सबसे, मैं जानना चाहता हूँ कि राज कपूर साहब का आपके, आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन है, कौन सा है उनका? श्री 420 है, एंड आई थिंक वही मेन गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ. आई थिंक दैट्स ऑल टाइम फेवरेट फॉर लॉट ऑफ अस पीपल. हेलो, मेरी जो है वो मेरा नाम जोकर है, जिसमें उनकी जिंदगी के तीन हिस्से थे, और जिसमें उन्होंने वही फ्लेवर मैंने इस फिल्म में देने की कोशिश की है. मेरे लिए भी मेरा नाम जोकर बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे वो, बस. हेलो हेलो मानव जी, हम सिने आजकल मैगजीन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरी नाइस थॉट ऑफ राजकपूर जितने हैं, और आज के दिन ही आपने चुना, आज उनका बर्थडे है 14 दिसंबर, तो बड़ी बात है. फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस राज कपूर जी को याद किया. और दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने राज कपूर का नाम लिया, तो आपको ऐसा लगा कि कपूर खानदान से आपको परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि आपने राज कपूर का नाम लिया? एक सवाल ये नहीं, और भी आगे सवाल है. एक सवाल ये कि आपको परमिशन लेनी पड़ी, और दूसरा आपने
एक चीज अच्छा लगा, आगे आप बताइए कि आपने एक्टिंग विक्टिंग उमदा नहीं किया, लेकिन उनका जो इंसानियत का जो मैसेज जो हर फिल्म में देते आपने उसको उठाया। बट नाउ यू कैन आंसर। यस सर। सर क्या हुआ था, मैंने जब टाइटल पहली बार लिख के मैं गया एसोसिएशन में सिंटा में, तो उन्होंने सिंटा मतलब इसमें प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जहाँ राइटर रजिस्टर्ड होता है टाइटल, तो उन्होंने मेरा टाइटल देखा और रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं रिजेक्ट कर दिया, आपको राज कपूर नहीं मिल सकता। तो मैंने क्वेश्चन किया तो बोले नहीं राज कपूर साहब की फैमिली से एनओसी लाओ। तो मैंने कहा कि ये राज कपूर साहब की फिल्म नहीं है, राज कपूर नाम है किरदार का। तो बोले नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होता है, राज कपूर है तो उनकी कहानी है, उनका एनओसी लेके आओ। तब मैं फिर एसोसिएशन में गया, मेरी पर्सनल मीटिंग हुई, उस वक्त वीचैट होता था, सारी कमेटी के साथ मैंने मीटिंग की और उनको ये मैंने बोला कि राज कपूर साहब की लाइफ पे अगर फिल्म बनती है तो परमिशन की जरूरत है। एक दूसरा, अभी साईं बाबा हमारे भगवान है, हम पिक्चर में अगर साईं बाबा का नाम रख देते हैं तो साईं बाबा की परमिशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो हमारे गॉड है। तो राज कपूर इज माय गॉड, और अगर मेरा भगवान है वो, तो मैं पूरा हक बनता है कि मैं मेरे भगवान के नाम से पिक्चर बनाऊं। क्या बात। तो उसके लिए मुझे मेरे भगवान के पास जा तो सकता नहीं हूं मैं, ना मैंने उनकी लाइफ ली है कोई। अभी अगर इसके अंदर फिल्म देखेंगे तो कृष्णा जी का करेक्टर या नरगिस जी का करेक्टर नहीं है फिल्म में, तो मेरी फिल्म में उनकी स्टोरी नहीं है, वो मेरा अपना है। मैंने उनको झगड़ा किया, मैंने फिर वकील किया, वकील के थ्रू मैंने एक अंडरटेकिंग बनाया जिसमें मैंने लिखा कि इफ द राज कपूर फैमिली एनी एक्शन जो भी अगर वो लेगी, देन आई विल फेस दैट थिंग्स और वी विल फाइट एंड वी विल कन्विंस दैम कि भाई दिस इज माय स्टोरी, और अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए शो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। मैंने राज कपूर साहब का नाम कहीं खराब नहीं होने दिया मूवी में, अगर मैंने इसमें राज कपूर साहब का नाम लिया है तो उस डिग्निटी को मैंने मेंटेन किया है, नहीं तो आप किसी का नाम लेके अच्छी पिक्चर नहीं बनाएंगे तो उसके लिए डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, तो वो मैंने इसमें नहीं किया। और कपूर साहब को मैंने कहीं कॉपी नहीं किया क्योंकि मेरा उतना औहदा ही नहीं है कि मैं उनको प्ले कर पाऊँ कभी। मैंने सिर्फ मानव सोहल जो था उसको प्ले किया, उस किरदार को प्ले किया, जो मैं 2 महीने झोपड़पट्टी में ही था, मैं घर नहीं आता था, रोज़ चला जाता था, उनके साथ बैठ जाता था चौल में, कुछ दोस्त मेरे जानते हैं, फिर उनसे बातें करता था और उस किरदार को एग्जॉर्व करता था कि एक शराबी जो शराब पी के नाली के पास बैठे कैसे बैठी, तो करेक्टर मैंने वहां से पकड़ा इसको। नॉर्मल इवेंट्स देख के आपने वो स्टोरी बनाई है, जो हर तरफ आपको दिखता है कोई चीज कि कैरेक्टर ऐसा हो रहा है, उस नॉर्मल रोजमर्रा की जो जिंदगी आप देखते हो उसके ऊपर बनाई। हाँ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है मैं आपको बोल देता हूँ, जो अभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए लेकिन बोल देता हूँ। मेरी इस फिल्म में एक बार गर्ल का करेक्टर है, तो वो करेक्टर मेरी अपनी लाइफ से इंस्पायर हुआ है, मतलब मेरे सामने आया था। एक लड़की के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लड़की को पैसे की जरूरत थी, वो आई मेरे पास, सर मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने पूछा आप क्या करती है, तो मैं बार में डांस करती हूँ। तो मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं बार गर्ल्स जो हैं बहुत पैसा कमाती हैं, लोग बोलते हैं ना बहुत पैसा है इनके पास। मैंने पूछा तुम बार गर्ल हो, तुम बार में डांस करती हो, तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? तो बोली नहीं सर मैं सिर्फ डांस करती हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कहा, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि वहाँ एक शेर था अन्ना करके, जो उसके पास वो रोज उसको पैसे लुटाता था, रोज उसके ऊपर 25-50 हज़ार रुपये लुटाता था, उसको 5 लाख की जरूरत थी, 3 लाख की जो भी था उस टाइम। उसने पैसे मांगे कि सर आप दे दो, आप तो मेरे फैन हो, रोज मुझे पैसे लुटाते हो। तो उसने बोला कि गोवा चलेगी, तो वो चुप हो गई। बस वो यहाँ टच हो गया कि इंसान जो है वो पैसे लुटाता है लड़की पे, रोज डांस पे, उसके ऊपर अय्याशी पे, लेकिन अगर कभी वो मजबूरी में हो तो उसका भी फायदा यहाँ आज इंसान उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस मैंने इसमें डाले हैं जो अंदर तक आपको झिंझोर देंगे कि नहीं यार इंसान पहले है यार, ये सब चीजें बाद में है, बस वही है। एक सवाल मुझे राइटर से, विदुर जी, वेरी गुड सॉन्ग्स, तो आप भी कुछ नहीं है, देखो जो आप सवाल पूछते उसका एक ही आंसर है, मैं फैन था, मेरा इस किरदार में वो रियल है, लेकिन जो इंसिडेंट है वो राज कपूर के नहीं है, वो जो लोगों के थे, जो किस्से थे, किसी ने कुछ बताया मुझे कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ। एक डॉगी का किस्सा मेरा खुद का पर्सनल है, बहुत सारे इसमें 50% मेरी लाइफ से गुजरे हुए किस्से हैं जो मेरे साथ हुए थे, तो वो मेरी बायोग्राफी नहीं है ये, लेकिन वो इंसिडेंट्स हैं, कुछ इनकी लाइफ के हैं, कुछ इनकी लाइफ के हैं, कुछ कोई चौल में रहने वाली बाई की लाइफ के हैं, तो वो मैंने रियल उठाए, उन सब के प्रूफ है मेरे पास, उन सब के वीडियोस हैं मेरे पास, मैंने उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे पूछा क्या हुआ था ऐसा, उन्होंने बताया, उसको कहानी में डाला है। पर सर राज कपूर ही क्यों आपने नाम लिया? वो आपको मैंने बताया ना पहले ही, राज कपूर नाम लेने का रीजन ही यही था कि एक तो क्योंकि मैं आया हूँ बाजार में
और मैं मेरा नाम पे पिक्चर बना देता तो लोग पिक्चर देखते ही नहीं आते ही नहीं। तो एक नाम चाहिए था, अब आप नाम बताते हो जीने नहीं दूंगा या जान से मार दूंगा, तो उसमें फिर आपको संजू बाबा चाहिए, नहीं तो फिर वो फिल्म नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। मैं श्री 420 देखी है और मेरा नाम जोकर देखी, आई थिंक जो हमारी फेवरेट है, पर एक्चुअली ये नरगिस का किरदार एक्चुअली नहीं है, राज कपूर जी का जो एक्चुअली फेवरेट कैरेक्टर था, इनके एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नरगिस हूँ, यू नो मैं एक्चुअली नरगिस का किरदार नहीं पे कर रही हूँ, पर वो जो दिखते हैं क्योंकि उनकी फेवरेट भी नरगिस रहती है, वो खुद को राज कपूर मानते हैं और वो जब किसी लड़की को देखते हैं तो हमेशा उनको लगता है हाँ ये मेरी नरगिस होगी, तो उस हिसाब से मैं नरगिस हूँ। सो या दैट इज द थिंग, यही इनकी लाइन वही है कि नरगिस भी नहीं है इस फिल्म में कोई, करेक्ट, कि नरगिस की किसी ने मिमिक की है नहीं, ना कोई राज कपूर नरगिस की कहानी है, ये राज कपूर का दिल है कि वो जिसे भी मोहब्बत करते हैं उसमें नरगिस को देख लेते हैं। राज साहब की और नरगिस की मोहब्बत के बारे में बोलना मेरा वो नहीं है, सब जानते ही हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो जो रिश्ता था वो मोहब्बत का रिश्ता था बहुत ज़्यादा गहरा, वही हमारे इन किरदारों में है। फिल्म बनाने से पहले, क्योंकि अगर उनसे मैं मिल लूँ तो वो मुझे फिल्म बनानी ही नहीं रही है, तो मैंने सर मैं पहले फिल्म बनाता हूँ, जब मैंने ये फिल्म बनाई थी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि फिल्म का ऑरा और शोमैन राज कपूर साहब जो फिल्म करते थे जो दौर के हिसाब से, तो सर क्या हुआ कि आज के दौर में अभी वेब सीरीज ले लो या फिल्में ले लो, थ्रिलर हो गया, सस्पेंस हो गया, हमेशा दौर बदलता रहता है और अच्छे अच्छे ट्रैक आते हैं और वो लोगों की चॉइस बन जाते हैं, कभी कॉमेडी हिट होती थी तो लोग कॉमेडी कॉमेडी बनाते हैं, कभी थ्रिलर हिट होती है तो थ्रिलर बनाते हैं, तो जब मेरे सामने ये बात आई तो मुझे लगा नहीं ऐसा सोच के मुझे फिल्म नहीं बनानी, मैंने अगर फिल्म बनाई है राज कपूर तो मैंने ये सोच के बनाई है कि मैं सिर्फ एक अच्छी फिल्म बना दूँ, तो दिस इज़ माई स्टेटमेंट जो लिखा भी हुआ है बुकलेट्स पे कि फिल्म कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती सर, कोई भी फिल्म देखने जाते हैं हम 3 घंटे 2 घंटे जब बाहर निकलते हैं तो फिल्म के दो ही चीज़ें होती है फिल्म इंडस्ट्री में, एक होती है अच्छी फिल्म और एक होती है बुरी फिल्म, अगर 2 घंटे की फिल्म देख के हमें अच्छी लगी तो 500 करोड़ की फिल्म हो तो या 5 करोड़ की हो, लेकिन अगर फिल्म बुरी लगी तो फिर चाहे 5,000 करोड़ की फिल्म हो हम आगे बोलेंगे यार टाइम खराब हो गया, तो सर मेरी कोशिश थी कि एक अच्छी फिल्म बना दूं, वो कितने में बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या उसमें करूं, वो मैंने नहीं सोचा था बनाते वक्त, और शोमैन राज कपूर साहब भी हमेशा इसी फिलॉसफी पे काम करते थे, आप उनकी पुरानी सारी फिल्में उठा के देखना, कभी उन्होंने रिपीटेशन फिल्म नहीं बनाई, मैंने पहले कॉमेडी बनाई, एडल्ट कॉमेडी बनाई, फिर मैंने एक क्लासिकल मूवी बनाई, तो मैं चाहता तो वैसी फिल्में बनाता रहता, मैंने नहीं किया, मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा कभी ये सोच के नहीं बनाऊंगा कि ये कैसी है, उनके उस फिलॉसफी को उनके उस सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगली फिल्म मेरी कुछ और है। मनोज लोग किया, सभी लोग चलिए राज कपूर जी के नाम से हैप्पी बर्थडे। एक और सरप्राइज है, मानव जी का भी बर्थडे है। इसीलिए ये दूसरा केक पे दूसरा फोटो मेरा है। सर काटिए सर, ये भी काटिए सर। चलिए सामने से कहीं भाई सर मेरे कुछ फ्रेंड है उनकी बाइक ले ली सर। टुडे इज बर्थडे आल्सो। यस राज कपूर के दिन